तो हेलो दोस्तों, काफ़ी सारे भाइयों के कमेंट्स आते हैं कि हमारे लिए जो है फ्री डॉग लेकर आइए। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए प्यारा सा डॉग लेकर आया हूँ, बिल्कुल फ्री। दोस्तों फ्री है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत ही चीप क्वालिटी मिलने वाली है, ऐसा कुछ नहीं है। दोस्तों एक बार जरा इसकी क्वालिटी देखिए। दोस्तों ये एक एडल्ट पिटबुल का डॉग है। दोस्तों काफ़ी बल्की है और बॉडी देखिए दोस्तों कितना हेल्दी, और इसकी कटे देखिए दोस्तों आपको साफ साफ नज़र आ रही होगी। दोस्तों इतना ही नहीं, हेड भी देखिए पंच है और ब्रॉड हेड के अंदर आपको मिल रहा है। कलर भी दोस्तों काफ़ी अच्छा है इसका, आप कलर देख सकते हैं, वाइट एंड ब्रिंडल में ये अवेलेबल है। दोस्तों काफ़ी एक्टिव डॉग है और ओनर ने इसकी जो है मुझे वैक्सीन वगैरह सारी दिखाई हुई है और पर्सनली मैंने फ़ोटो वीडियो मेंशन कर दिए। तो दोस्तों अब बात करता हूँ इस पिटबुल की एज की। तो दोस्तों एज की बात करूँ तो ये 3 साल का हो चुका है। दोस्तों फ्री सुनकर कोई भी मेरे भाई ना पहुँच जाइएगा, मेरा यही मानना है जो भी इसे अच्छे से केयर कर सके, अच्छी डाइट दे सके, इसे टाइम दे सके, वही इसे परचेज करे। दोस्तों ऐसा नहीं है कि कोई भी सुने कि ये फ्री में है, तो दोस्तों प्लीज़ मेरी भी तो एक रिक्वेस्ट है, उसे मान लीजिएगा डॉग को। दोस्तों ओनर का टाइम भी चाहिए होता है और उसे प्यार भी चाहिए होता है। तो फ्रेंड्स एज मैंने आपको बता दी है, 3 साल का ये दोस्तों जो है डॉग है, वैक्सीनेटेड, डिवॉर्मिंग सारी कंप्लीट है। दोस्तों मैटिंग भी काफ़ी अच्छे से करता है, अच्छा स्टड है। और दोस्तों अब बात करता हूँ लोकेशन की। लोकेशन दोस्तों इसकी है नजफगढ़। तो फ्रेंड्स वैसे मैंने पर्सनली ओनर से इसके बारे में पूछा था, एडल्ट डॉग है, कि इसका टेम्परामेंट कैसा है। तो ओनर का कहना है कि इसका टेम्परामेंट बहुत ही फ्रेंडली है, आप में से कोई भी इसे लेके जा सकता है, काफ़ी फ्रेंडली बताया। लेकिन दोस्तों मेरा मानना यही है, जो भी इंटरेस्टेड हो इसके साथ टाइम स्पेंड करे, 1-2 घंटा ओनर के पास जाके इस डॉग के साथ ज़रूर बिताए। और दोस्तों अपनी फैमिली के लिए तो सभी डॉग जो है लॉयल होते हैं, बाकी जब कोई अनजान व्यक्ति उनके आगे आता है तब डॉग का नेचर पता लगता है। तो जाके इसको अच्छे से इसके साथ घुमाइए, बैठिए, खिला पिला के देखिए और तब परचेज़ कीजिए, क्योंकि दोस्तों सभी की फैमिली में छोटे बच्चे वगैरह होते हैं। तो दोस्तों इस बार मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट रखा है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ओनर का नंबर नहीं दूंगा, मैं वीडियो के एंड में जो है ओनर का नंबर डालूंगा। तो जो भी मेरे व्यूवर्स हैं प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिए, एंड में ओनर का नंबर मैं पूरा डाल दूंगा, और जिस भी भाई के नसीब में ये डॉग होगा उसे मिल जाएगा। तो दोस्तों बाय बाय।